हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे? आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पूड़ियाँ ली हैं। पूड़ियाँ कल भंडारा हुआ था तो भंडारे में से आ गई थी, तो बची हुई थी, तो इन्हें मैंने सोचा यूज़ में ही ले लूँ। तो इन पूड़ियों को मैं तोड़ लूँगी अच्छे से करके, क्योंकि कोई चीज़ वेस्ट करना तो सही नहीं है। तो मैं उनके लिए ये मैंने प्याज बड़ा सा काटा, एक आलू काटा है, और ये मुरमुरे हैं, हमारे यहाँ मुरमुरे कहते हैं, और हरी मिर्ची और अदरक थोड़ा सा लिया। अदरक दिखाया नहीं, शायद रखना भूल गई हूँ। और ये ऐसे मैंने पूड़ियाँ तोड़ ली, और ये बहुत टेस्टी बनती है। आप लोगों को बता दूँ, मैं इसको खाने के बाद ही एडिटिंग कर रही हूँ। खाई और ये बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएंगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप ट्राई करें तो अपनी फ्रेंडों को भी ट्राई, उनको भी ये सब पता होना चाहिए, तो उनके साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो आप लोग, मैं बार बार दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वगैरह सब काट लिए, और यहाँ मैंने रिफाइंड डाल दिया कढ़ाई में, और फॉर्च्यून यूज किया है, और थोड़ा सा ही रिफाइंड डालूँ क्योंकि पूड़ियाँ बहुत ऑयली होती हैं, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए मैं बहुत कम टिफ़िन में किसी में भी यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद है ये। और बाबू है मेरा, और इसमें डालूँगी जीरा मैं, और बहुत यम्मी बन रही है। मैं पहले खा के इसको मैंने वीडियो बनाया, फिर खाया, फिर एडिटिंग कर रही हूँ। और इसमें मैंने डाल दी हरी मिर्च, और बच्चों के लिए बनाया तो प्लीज़ हरी मिर्ची अवॉइड कर दीजिएगा, पर मेरे बच्चे खा लेते हैं निकालने मिर्ची करके, तो इसलिए मैं हरी मिर्ची यूज़ करती हूँ, और ये तीखी वाली नहीं है। तो इसमें प्याज डाला है मैंने, और आप नहीं खाते हो तो प्लीज़ मत डालिएगा। तो ये हरी मिर्ची मैं और प्याज, इनको हल्का हल्का भूंजेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वैसे प्याज तो अच्छा लगता है, तो इनको भूंज लेते हैं। और भूंजने के बाद फिर आगे इसमें डालेंगे आलू, वो सॉरी आलू टमाटर डालें, टमाटर को गलने देंगे। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज मैं फेस से, मतलब आपके सामने मैं नहीं आ पाऊँ, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बताया घर में पेंटिंग वगैरह चल रहा है, तो ये मैं अपने लिए बना रही थी अचानक से, तो मैंने बोला चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये छोटी सी क्लिप है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। तो आलू मैंने इसमें डाल दिए, मसाले नहीं डालूंगी, बस प्याज टमाटर आलू डाला और जीरे में छोंक दिया है। अब इसको दबा दूंगी और 10-5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ये देखिए 10-5 मिनट के लिए। और तेज़पत्ता मैं अब डालूंगी, क्योंकि तो इससे और अलग सा टेस्ट आता है। वो मसाले मैंने साइड से कर दिए, और तेल में तेज़पत्ता डाल दिया, इसको भुजने देंगे। तो देखिए ऐसे डालेंगे ना, और ही स्वाद आएगा। तो इनको, आलू को पकने के बाद हम इसमें मसाले, आलू देखते रहिएगा कि आलू पके या नहीं, मेरे थोड़े ऑलमोस्ट पकने को आ गए हैं, मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करूँगी तब तक ये हो जाएं। तो यहाँ मैं नमक डाल दिया है, नमक से जल्दी गलते हैं, और आलू तो बिल्कुल बारीक बारीक से काटे हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँ, और 5 मिनट में बनता है, और कुछ भी ऐसे बाहर से कुछ भी लाना नहीं होता है। आप लोग देख, वैसे भी मैं सारी रेसिपी लाती हूँ, बाहर से कुछ नहीं लाना होता, हमारे घर का सब कुछ होता है। तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, ये धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये सब डाल दिया, और गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगी। गरम मसाला डाला है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, और इसको मिला दूँगी। और बहुत जल्दी बनती, कुछ ना समझ में आए तो एक बार बनाएं, बहुत यम्मी बनती, बहुत ज़्यादा यम्मी। तो इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, जो मसाला ये हमारा हो जाए, देखिए ऐसा हो गया। अब ये हमने पूड़ियों को जो तोड़ा था, पूड़ियाँ इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसको मिला लेंगे, जाकि इसका अच्छे से मतलब मिल जाए और ये पक जाए। और इसमें डालेंगे, पूड़ी के डोंगे में ही मैंने पानी ले लिया है, और इसमें डालेंगे पानी। पानी इसलिए डालें क्योंकि पूड़ियाँ गलेंगी ना, गलने के लिए पूड़ियों में पानी डाल देंगे। और बीच बीच में इसको देखते रहेंगे, प्लीज़ बीच बीच में इसको देखते रहिएगा, नहीं जल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी सब्ज़ी बनाए बीच बीच में देखते रहे, इससे 5-10 मिनट के लिए ढक देंगे और छोड़ देंगे। और ये देखिए ऐसी हो गई है, और इसको खूंटेंगे, खूंटेंगे ना तो ये मसाले के जैसे, तभी तो उपमा के जैसे दिखेगा ये, तभी तो इसका नाम है पूड़ी उपमा। तो पूड़ियों को फेंकने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इसको ऐसे करके खून देंगे, और फिर कह रही बीच बीच में देखते रहिएगा, और फिर से ढक दिया मैं 10-20 मिनट के लिए। और ये देखिए, आप लोग अलग ही देख सकते हैं सब कुछ कैसे हो गया मिक्स, और कितनी सुंदर ये अम्मी सी दिख रही है। तो थोड़ा इसका पानी जलाएंगे, और थोड़ा सा मेरे छींटे चल गए थे तो इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी अभी लगाया है, छींटे वगैरह जाएँ तो उस पर दाग लग जाते हैं।
तो ये देखिए इसको हिलाएंगे और मैंने खूब इसको खोद दिया है, जो पता नहीं चल रहा है पूरी है क्या है, आप लोग देख ही सकते हैं। अगर अब इसे आपको खाना है तो बनाना भी पड़ेगा। और इस पे डाल दी मैंने मुरमुरे, इससे और भी इसका टेस्ट बढ़ के आएगा। अब मैं ही टेस्टी टेस्टी बोलूँगी तो आप लोग कहेंगे खुद ही बोल रही हूँ। तो अगर आपको ये बताना है कि अच्छा बनता है ख़राब, तो जल्दी से लीजिए ट्राई कीजिए और फिर कमेंट में बताइए। चलिए इसको निकाल लेते बर्तन में। तो ये देखिए मैंने बर्तन में निकाल लिया है और देखिए कितना अच्छा लगा, बहुत ही यम्मी बनता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो इसके ऊपर और डाल दे रही थोड़ा सा ये, और बहुत मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई। होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ।